नमस्कार दोस्तों, नई पुलिस भर्ती को लेकर हिंदुस्तान पेपर में छोटी सी न्यूज छपी है, जिसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे आपको जान लेना चाहिए। पहली बात यह है कि परीक्षा कराने वाली संस्था का अभी तक चयन नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, और ये आवेदन कब तक मांगे जाएंगे उसके बारे में लिखा है कि इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कार्यदायी संस्था का चयन नहीं हुआ है, जब चयन हो जाएगा उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। तो उनका मानना है कि ये प्रक्रिया होने में जनवरी या फरवरी लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि पिछली बार जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उसमें कुछ पर गड़बड़ियां हुई थी, उसको देखते हुए इस बार बोर्ड नए परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूरी तरह से फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। तो ये दो न्यूज थी। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई और न्यूज आती है तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।